Ten of Pentacles, okay. Knight of Wands, Ten of Swords, बॉटम में आया है Four of Wands, कि आप फिलहाल में ही किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आए हुए हैं। अगर आप अभी तक बाहर नहीं आए हैं तो इस वीक में आप बाहर आ जाएंगे उस नेगेटिव सिचुएशन से और लाइफ के डिसीजंस लेके आगे बढ़ के अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हो। देख रहे हो ना, यहाँ नाइट ऑफ वॉन्स है तो यहाँ पेंटिकल है और यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्स है। एक तरफ आप ध्यान दे रहे हो अपने मैरिज कमिटमेंट रिकंसिलेशन, मतलब अपनी लव लाइफ पे ध्यान है आपका, दूसरे साइड आपका ध्यान है आपके पेंटिकल्स का, मतलब दोनों साइड बहुत मेजर तरीके से एक्शन लेना चाहते हो। नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड बहुत पैशनेट तरीके से एक्शन लेना है, मतलब यहाँ भी प्रॉपर ध्यान दे रहे हो आप पैशनेट तरीके से, यहाँ भी ध्यान दे रहे हो और डील आप निगेटिव सिचुएशन से करके निकले हुए हो, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी है आप यही शो कर रहे हो। कोई कितनी भी निगेटिव एनर्जी क्यों ना आ जाए, आप वापस से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को। देख रहे हो ना, यहाँ जीरो है तो वापस से स्टार्ट कर रहे हो। 10 पे आप एंडिंग का कार्ड आया है 10 पे, ठीक है, जीरो से आपने स्टार्ट करना चालू किया और यहाँ नाइट ऑफ वॉन्स के साथ और वापस से जीरो से डायरेक्ट 10 पे पहुंच गए, है ना। पेंटिकल्स आपके एकदम से ग्रो होंगे, लव लाइफ आपकी एकदम से ग्रो होगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आप इस वीक में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है, नेगेटिव चीज थी भी तो आप निकल चुके हो और नहीं निकले हो अभी तक तो निकलिए इस वीक में, क्योंकि काफी अच्छी हैप्पी एनर्जी हैप्पी फैमिली आपका वेट कर रही है। लेकिन ये कब आएगा आपके पास, जब आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुड़ के नहीं देखना, और एक बार आगे बढ़ लिया ना तो मुड़ के नहीं देखना है इस सिचुएशन को, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है फिलहाल। आपने तो काफी अच्छा डिसीजन लिया आगे बढ़ने का। हैंग्ड मैन, वो अभी भी स्टक है, आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, वो स्टक चल रहे हैं। अब देखते हैं आगे कार्ड और निकालेंगे तो पता चलेगा कहां स्टक है वो। स्ट्रेंथ वर्ल्ड, बॉटम में फाइव ऑफ कप्स, ओके। मुझे लग रहा है उन्होंने आपको काफी ज्यादा नेगेटिव एंडिंग दी है, इस वजह से अब वो स्टक हो गए, वो फाइव ऑफ कप्स की पोजीशन में चले गए हैं। अभी आप थे फाइव ऑफ कप्स की पोजीशन में, कितना ज्यादा आप नेगेटिविटी से डील कर रहे थे, आपको कोई ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मोड में थे। बट आपके पार्टनर अब हो गए, वो चीजें होती है ना कि ये साइकिल है, वर्ल्ड कार्ड आ गया, इसने प्रूफ कर ही दिया ये साइकिल होती है। अगर आप एक टाइम दुखी है, आपकी लाइफ में किसी ने एंडिंग दी है, तो वही चीजें आपके पर्सन के साथ होंगी, तो वही हो रहा है। अब तो आप इस चीज से बाहर निकल गए हो, आपकी साइकिल एंड हो गई, इनकी साइकिल स्टार्ट हो चुकी है निगेटिविटी की, हैंग्ड हो गए अपनी सिचुएशन में, समझ में नहीं आ रहा है इनको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जरूर स्ट्रेंथ बना के रखे हैं, इंट्यूशन को स्ट्रांग कर रहे हैं, मे बी ये स्पिरिचुअलिटी से काफी कनेक्टेड हो सकते हैं, भगवान से अपना कनेक्शन बना रहे हैं, यूनिवर्स पे अपना कनेक्शन बना रहे हैं। लेकिन जब तक इनके सिचुएशन जैसा आपके साथ इन्होंने चीजें की वैसे उसका इनको रिजल्ट तो भाई देखना पड़ेगा, जब तक ये अपना रिजल्ट नहीं देख लेते तब तक ये नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पाएंगे। कितनी भी ये स्ट्रेंथ बना ले, कितनी भी ये कोशिश कर लें, कितना भी ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर लें, इनको नेगेटिविटी डील करनी पड़ेगी। तो वही इस वीक में वो डील कर रहे हैं कुछ नेगेटिविटी से, और ये साइकिल है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप इस साइकिल से निकल चुके हैं, इनकी साइकिल स्टार्ट हो गई है। इस वजह से मे बी इनका कोई एक्शन आप इस वीक में देखते हैं और कार्ड तो पता चलेगा एक्शन, क्या वो कोई ले सकते हैं इस वीक में आपके सही, कि एक्शन से रिलेटेड कोई कार्ड नहीं निकला है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेंटिकल, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे बहुत ज्यादा वीक लग रही है। मे बी जरूरी नहीं कि इनके साथ ऐसा हुआ जैसे इन्होंने आपके साथ किया, कि कोई नेगेटिव चीज आपके सामने लेके आ गए, कोई थर्ड पार्टी लेके आ गए, आपको कोल्ड शोल्डर देके चले गए, तो इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं, एफर्ट्स तो ये बहुत लगाते बट एज अ एक्सपेक्टेशन इनको अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। एफर्ट्स लगाने में, हार्डवर्क करने में ये तो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन इनको रिजल्ट एज अ एक्सपेक्टेशन नहीं मिला है। बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कब आपको ऑफर करना है,
कप तो वो आपको ही ऑफर करना चाहते हैं, और बड़ी मेहनत से ये कप उन्होंने बचा के रखा है कि भाई आपको ही ऑफर करना है। लेकिन वो कब करेंगे? जब इनकी सिचुएशन में थोड़ा सुधार आएगा, इनके फाइनेंसेस में थोड़ा सुधार आएगा। फिलहाल ये बहुत ज्यादा वीक चल रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके। मे बी इन्होंने आपसे शेयर किया हो कि नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी काफी वीक चल रही है। अफर्ट्स जिस वे में लगा रहे हैं ना, मे बी उनका वो डायरेक्शन सही नहीं है, इस वजह से इनको रिजल्ट एज एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रहा है। ट्रैवलिंग भी करते हुए दिख रहे हैं, इनके जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड काफी यहाँ वहां, मतलब ट्रैवलिंग इनकी बहुत ज्यादा हो रही है। इस वजह से भी शायद आपके साइड कोई एक्शन अभी नहीं लेके आ पा रहे हैं। और कार्ड निकालेंगे तो थोड़ी सिचुएशन और क्लियर होगी। और क्या कोई एक्शन ले सकते हैं आपके साइड? इनको बस अभी नजर आ रहा है तो पेंटिकल, इनको बस ये चीज दिख रही है कि फाइनेंसिस कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। जो नेगेटिव चीजें हो गई ना इनकी लाइफ में, फाइव ऑफ कप्स में चले गए, सिचुएशन वर्कआउट नहीं हुई है, स्टक हो गई है, पेंटिकल भी बहुत स्लो ग्रो कर रहे हैं, जैसा इन्होंने सोचा था उस तरीके से वर्क नहीं कर रही है सिचुएशन, उस तरीके से इनके पेंटिकल ग्रो नहीं हो रहे हैं। चाहते तो ये हैं एम्प्रेस के लिए, नाइन ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में जाना चाहते हैं, सब कुछ अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पेंटिकल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बिजनेस सही चलना चाहिए, जॉब सही होना चाहिए, सेटल होना चाहिए, उसके बाद आपके साइड एक्शन लेके आएंगे। क्यों मैं कह रही हूँ आएंगे, क्योंकि यहाँ आया है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। बहुत स्लो एनर्जी है उनके आने की, लेकिन आएंगे जरूर। पेंटिकल ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं फिलहाल, बॉटम में भी पेंटिकल आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और ये भी ठीक चीज है कि अभी फोकस्ड हो गए अगर वो पेंटिकल पे तो उनकी सिचुएशन वर्कआउट होगी, क्योंकि यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों फेमिनाइन एनर्जी आई है, तो फेमिनाइन एनर्जी जरूर थोड़ी सी स्लो तरीके से वर्क करेंगे, लेकिन जब वो वर्कआउट होंगी ना सिचुएशन तो अलग ही एकदम शाइन करेंगी इनकी सिचुएशन, है ना। तो टाइम जरूर लग रहा है इनके फाइनेंसेस स्ट्रांग होने में, लेकिन सही वे में इनकी सिचुएशन वर्कआउट होंगे और वो आपके साइड ऑफर लेके आएंगे, ठीक है। और इस वीक में आपका कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन भी कुछ लोगों का यहाँ हो सकता है, तो वो आपसे इसी चीज को लेके शेयर करेंगे, अपने फाइनेंसेस को लेके वो आपसे कुछ शेयरिंग कर सकते हैं। मे बी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट आप कर सकते हैं, अगर वो आपसे हेल्प मांगे तो आप मुझे नजर आ रहे हैं कि उनकी हेल्प कर सकते हैं आपके लिए। और देखते हैं क्या गाइडेंस आता है इस वीक में। आपके लिए तो वेटिंग एनर्जी आई, आप टू ऑफ सॉर्ड्स विथ बॉटम में नाइन ऑफ सॉर्ड्स, उसके नीचे आया है सन। देखिए आपको क्या लग रहा है आपकी सिचुएशन में, डिफाइन कर दूं, आपको ये लग रहा है ये आपके पास एक्शन लेके तो आ नहीं रहे, आप वेट कर करके काफी ज्यादा स्टक हो चुके हैं, आपको लग रहा है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में, कि आपको इनका वेट करना चाहिए। इतना ज्यादा आप थिंकिंग मोड में चले गए कि रात में भी आपको मतलब नींद आने में प्रॉब्लम आ रही है, दिन रात आप यही सिचुएशन को लेके सोचते रहते हैं कि क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वापस से आप रिकनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी माइंड में आ रही है, समझ सकती हूँ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो आप। लेकिन यहाँ देखिए सन कार्ड आया है, तो आपके लिए मेजर गाइडेंस यही है कि आप अपने कर्म करिए, आप अपने पे ध्यान दीजिए, खुद पे जितना ध्यान देंगे उतना ज्यादा आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिविटी को दूर करेंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर की सिचुएशन तो मैंने बता दी, वो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है अपने पेंटिकल को लेके, लेकिन आप क्यों ओनली वन साइडेड हो रहे हैं, आप क्यों सिर्फ उन पे ही ध्यान दे रहे हैं, अपने पेंटिकल पे भी तो ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, मतलब आपके छोटे से एफर्ट्स से डायरेक्ट आपके पेंटिकल टेन ऑफ इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, टेन ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको एफर्ट्स इतना लगाना है, रिजल्ट इतना मिलेगा, और आपके पार्टनर को इतना ज्यादा पेंटिकल के एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट एज एक्सपेक्टेशन अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। आपके साइड ये सन निकल के आया, चाहते तो आपके पार्टनर के साइड से भी ये कार्ड आ सकता था, नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि वो बताना चाह रही, यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रही, आप खुद पे ध्यान दीजिए, छोटा भी एफर्ट्स आप लगाएंगे तो आपको रिजल्ट बड़ा ही मिलेगा, है ना। तो आप खुद पे ध्यान दीजिए, हैप्पीनेस ग्रोथ सारी आपके साइड आना चाहती है। जिस काम को आपको करने के लिए मे बी एक दो दिन लगेगा, आपके पार्टनर तो महीना भर लगा देंगे, पूरा मंथ लगा देंगे उसको करने में, फिर भी उनको एज एक्सपेक्टेशन रिजल्ट स्लो तरीके से ही मिलेगा। तो आप सोचिए कितने लकी पर्सन है कि यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप है कि इस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। निकलिए इस एनर्जी से बाहर, दीजिए इस पे ध्यान, पेंटिकल्स पे, ठीक है। मेजर गाइडेंस निकल के आया है आपके लिए। मैं आपको स्पेशली लास्ट कार्ड और निकालना चाहूंगी कि क्या आता है आपके लिए।
क्या करना चाहिए इस वीक में आपको? टेन ऑफ कप्स, कह ही रही हूं सारी खुशियां आपके पास आना चाहती हैं। आपके जो पार्टनर यहाँ पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया था वो कप आपको ही ऑफर करना चाहते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी हैप्पीनेस, सारी स्टेबिलिटी, खुशियां आपके पास ही आएंगी, आपको नहीं टेंशन लेना है।